जी हाँ, एक ऐसी घटना का जिक्र ट्विंकल खन्ना ने सालों बाद किया जब उन्होंने अपनी बहन रिंकी को हवा में उड़ाया और लग गई उन्हें चोट। खेलते खेलते अपनी बहन को हवा में उछालती हुई ट्विंकल खन्ना ने जिस तरह से चोट लगाई रिंकी खन्ना को, इस पर डिम्पल उन पर भड़क गई थी और इन्हें सीधा गाल पर जोरदार तमाचा डिम्पल ने मारा था। ट्विंकल खन्ना ने इस बारे में बताया, वो बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट, डरावनी घटना है उनके बचपन की यादों में समेटी हुई, जब उन्होंने अनजाने में अपनी बहन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई। रिंकी को उन्होंने चोट पहुंचाया। ट्विंकल इतनी मिस्चीवियस हरकत करती होंगी, छोटी सी उम्र में आपने जाना नहीं होगा। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की बड़ी बेटी ट्विंकल सुपरस्टार पेरेंट से बिल्कुल अलग, ऑडियंस को फेल करने में रही वो ना सफल। जी हाँ, असफल रही, लेकिन राइटिंग में वो शानदार निकली। एक ऑथर के तौर पर 3 बुक उन्होंने अब तक पब्लिश किए हैं, मिसेज फनी बोन्स, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड पिजामास आर फॉरगिविंग। अक्षय से शादीशुदा ट्विंकल के 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। ट्विंकल ने इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रिसेंटली रेडिफ को दिए और उसमें उन्होंने रिवील किया कैसे अपनी बहन को उन्होंने हवा में उछालकर पूरी तरह से चोट पहुंचाया था। उस घटना को याद कर वो कांप जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे मुझसे मेरी माँ नफरत कर बैठी थी, मुझे थप्पड़ जड़ दिया था मेरी हरकत के लिए। जी हाँ, ट्विंकल ने बताया था कि कैसे उन्हें थप्पड़ मारा था। जी हाँ, बेड पर ही वो गिरी, लेकिन फिर 3rd पर गिरी जिससे चोट लग गई थी रिंकी को, जब ट्विंकल ने उन्हें उछाला था। छोटी उम्र की थी वो, और तब उनकी माँ ने उन्हें ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वो बुरी तरह से रो पड़ी थी। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी माँ उनसे नफरत करती है, उनसे प्यार नहीं करती। हाँ, ये सच है, बहन को लेकर वो काफ़ी प्रोटेक्टिव रही, लेकिन ये सच है कि गलतियाँ बचपन में ही तो होती है। ये गलतियाँ ट्विंकल खन्ना से हुई थी और इस गलती के लिए ट्विंकल खन्ना वाकई में खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती ये कहकर ट्विंकल रो पड़ी थी, और जब उन्हें एहसास हुआ कि क्यों उन्हें थप्पड़ पड़ा, तो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ट्विंकल ने इस इंसिडेंट के बारे में साझा किया था। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।